दोस्तों, मार्बल फ्लोरिंग जितेंद्र शर्मा में आपका स्वागत है। जैसा कि आज आपको मैं आपके एक ट्रक में कितनी टाइल्स के बॉक्स आएंगे ये वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे। चलिए चालू करते हैं अपना वीडियो। ये टाइल्स की सभी साइज है ये, और ये सभी टाइल्स के पीसेज है। टाइल्स के अंदर कितने पीस आएंगे आपके बॉक्स में, और ये जो है जो टाइल्स का वेट है कितने केजी का एक बॉक्स होगा, और अगर आप एक 26 टन का ट्रक लेते हैं तो कितने बॉक्स आएंगे, साइज वाइज हम कैलकुलेशन करेंगे। और ये है 30 टन का अगर हम ट्रक लेते हैं तो उसमें कितने बॉक्स आएंगे। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं 8x12 की टाइल्स। 8x12 की टाइल्स में 12 तो टाइल्स के पीस होंगे, और इसका वेट 7.20 केजी पर बॉक्स होगा। अगर आप 26 टन की गाड़ी लेते हैं तो उसमें 3611 बॉक्स आपके आते हैं। अगर यही 30 टन में लेते हैं तो आपके 4166 बॉक्स आपको वो गाड़ी में लोडिंग होंगे। अब लेते हैं 10x15 की टाइल्स। 10x15 की टाइल्स लेते हैं तो उसमें 8 पीस तो होते हैं, और इस बॉक्स का वजन होता है 8.33 केजी। अगर आप 26 टन की कोई ट्रक लेते हैं होलसेल मंडी में तो आपके 3121 बॉक्स आ जाएंगे, और अगर 30 टन की आप गाड़ी लेते हैं तो 3601 बॉक्स गाड़ी में आ जाएगा, ट्रक में। एक ट्रक की बात कर रहा हूं मैं। अब लेते हैं 12x18 की टाइल्स। 12x18 की टाइल्स में 6 पीस उसके अंदर रहेंगे बॉक्स के अंदर, 11 केजी उसका वजन रहेगा। अगर आप 26 टन अगर टाइल्स परचेज करते हैं तो उसमें आपके 2363 बॉक्स इसमें आएंगे। अगर 30 टन की आप गाड़ी लेते हैं तो 2727 बॉक्स इसमें एक ट्रक में आएंगे। तो इससे क्या आप इजीली निकाल सकते हैं कि आप प्लानिंग कर सकते हैं कि हम अगर होलसेल मार्केट में जाएं और वहां पर हमको कितने बॉक्स आएंगे एक टाइल में, तो प्लानिंग कर सकते हैं। ये वीडियो इसीलिए पर्पज से मैंने बनाया है। जैसे अब लेते हैं 12x24 की टाइल्स। 12x24 की टाइल्स में 5 पीस आएंगे आपके, 14 केजी इसका वजन होगा। अगर आप 26 टन की कोई गाड़ी लेते हैं होलसेल मंडी में तो 1857 बॉक्स आपके उस गाड़ी में आ जाएंगे, और 30 टन की अगर आप गाड़ी लेते हैं तो 2142 बॉक्स उस गाड़ी में आ जाएंगे। और अगर 12x12 पे चलते हैं, 12x12 की टाइल्स अगर आप परचेज करते हैं तो इसमें 10 पीस उस समय पैकिंग में रहते हैं, 11 केजी इसका वजन रहता है, और 26 टन की अगर आप गाड़ी लेते हैं तो 2363 बॉक्स आते हैं, और 30 टन की लेते हैं तो 2727 बॉक्स आ जाएंगे। अब लेते हैं 24x24 की टाइल्स। अगर 24x24 की टाइल्स आप लेते हैं तो उसमें 4 पीस रहते हैं, 29 केजी उसका वजन रहता है। अगर 26 टन की आप गाड़ी लेते हैं तो उसमें 896 बॉक्स आपके आ जाएंगे, और अगर 30 टन की आप गाड़ी लेते हैं तो 1034 बॉक्स उसमें गाड़ी में आ सकते हैं। अब लेते हैं पार्किंग टाइल में। पार्किंग टाइल में 12x12 की टाइल्स अगर आप लेते हैं, ये ऑर्डिनरी टाइल्स है, इसमें 10 पीस आएंगे और इसका वेट जो है 16 केजी रहेगा, और 26 टन की अगर गाड़ी लेते हैं तो 1625 बॉक्स उसके अंदर गाड़ी के अंदर इजीली आ जाएंगे। अगर 30 टन की आप लेते हैं तो 1875 बॉक्स आपके एक गाड़ी में आ जाएंगे। अब लेते हैं 12x12 की डिजिटल टाइल्स। DJT लिखा है, डिजिटल टाइल्स है। इसमें 8 पीस आते हैं, 13 केजी इसका वेट रहता है। अगर 26 टन की आप गाड़ी लेते हैं तो 2000 बॉक्स आपके 26 टन में आ जाएंगे, और अगर यही अगर आप 30 टन की गाड़ी लेते हैं तो 2307 बॉक्स लगभग आ जाएंगे। और अब लेते हैं 16x16 की टाइल्स, डिजिटल टाइल्स। इसमें पैकिंग में 5 पीस रहेंगे, 20 केजी इसका वजन रहेगा। 26 टन की अगर आप गाड़ी लेते हैं तो 1300 बॉक्स आएंगे, और 30 टन की अगर गाड़ी लेते हैं तो 1500 बॉक्स आएंगे। अब लेते हैं 24x24 की डिजिटल टाइल्स। ये पार्किंग टाइल्स का बता रहा हूं मैं। इसमें तीन पीस मिलेंगे टाइल्स के, 28 केजी इसका वेट रहेगा। 26 टन की अगर आप गाड़ी लेंगे तो 928 बॉक्स इसमें आएंगे, और 30 टन की अगर आप गाड़ी लेंगे तो 1071 बॉक्स इसके अंदर आएंगे। तो अभी मेरा थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन का भी वीडियो
तैयार हो रहा है, लगभग लगभग 20-25 सिटी से ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट मेरे को मिल चुकी है। अभी एक वीक में आपको लगभग लगभग पूरी इंडिया की कॉस्ट मिल जाएगी ट्रांसपोर्टेशन की। तो नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे उसमें हम ट्रांसपोर्टेशन भी आपको मैं क्लियर कट बता दूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।